उज्जैन में दिवाली की खरीदी को लेकर लोकल मार्केट सज गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लोकल दुकानदारों से खरीदी की अपील की है, जिससे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का होता है। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस यानी 29 अक्टूबर से होगी। लोगों ने उत्साह और उमंग के इस त्यौहार को मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उज्जैन शहर में गोपाल मंदिर और छत्री चौक जैसे पुराने क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग दुकानें लगाकर व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर खरीदी के लिए ग्रामीण और शहर के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में इन दुकानों की संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव लोगों से पथ विक्रेताओं से सामान खरीदकर गरीबों की दीपावली रोशन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों से मार्मिक और भावुक अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने की बात कही है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। दीपावली पर वोकल फॉर लोकल का एहसास हम सबको रहना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। दीपावली हमारे लिए एक अलग आनंद देती है, लेकिन दीपावली के दिए हमारे प्रजापति समाज द्वारा बनाए गए दीप उनके जीवन में पूरे साल दीपक बना करके वो उम्मीद करते कि सारे दिए उनके बिके। वो नहीं, उनके जैसे कई लोग हैं हमारे कई समाज के द्वारा, कोई झाड़ू बनाता है, कोई श्रृंगार की सामग्री बनाता है, कोई फेरी लगाता है, कोई फुटपाथ पे बेचता है, कोई अलग प्रकार से अपने दिए की बत्ती बना करके बेचना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों से मिलकर के दीपावली मनती है। और वैसे भगवान राम ने सभी लोगों के साथ मिलकर के राम राज्य की कामना की थी, वो राम राज्य चलाया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। मैं स्वयं भी मार्केट में जाकर के अपने ऐसे बंधुओं के द्वारा बनाए हुए स्वदेशी उत्पाद को खरीदूंगा, जिसके माध्यम से दीपावली मने। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो जहाँ है वहीं पर दीपावली के आनंद में हमारे ऐसे वर्ग जैसे मजदूर परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे या कोई व्यक्ति ऐसे अवसर पर कोई भूखा नहीं रहे, कोई को कष्ट नहीं हो, सबके जीवन में दीपावली का आनंद घोलते हुए हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से जवाबदारी के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाएं, ये अपेक्षा करते हुए एक बार फिर आप सब। दीपावली का जो त्यौहार है 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, और इस बार जो उत्साह दिख रहा है पब्लिक में, जनता में, वास्तव में देखने के लायक है, क्योंकि इस बार फसल भी अच्छी आई है और हर चीज़ में, कई चीज़ों में रेट भी कम हुए हैं, और सजावट के सामान में जो रुचि महिलाओं को देखने को मिल रही है, वास्तव में वो एक मतलब एक हर्ष का विषय है कि उज्जैन शहर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो फसल जो आई है बारिश अच्छी होने के कारण, और आप देख रहे हैं कि जो दीपावली का जो पर्व है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व होता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है, और ये हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और एक दीपावली का ही एक ऐसा त्यौहार होता है जो सभी धर्म के लोग इसको मनाते हैं और सब हिलमिल के मनाते हैं। और आज जो बाज़ार के अंदर आप रौनक देख रहे हैं, सुबह आप मानेंगे 10 बजे से तो रात को 11 बजे तक ऐसे की ऐसे ही माहौल बना रहता है।